हेलो एंड वेलकम, मैं स्वाति आपका स्वागत करती हूँ डिड यू नो में। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जगह कभी भारत से संबंधित हुआ करती थी। कैन यू इमेजिन कि एक देश में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन हो? नहीं ना, ऐसा हुआ है और उस देश का नाम है सिंगापुर। जी, सिंगापुर में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है और इसे भारत से रिलेटेड इसलिए बताया है क्योंकि इसके बारे में बताया जाता है 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार यहाँ शिकार करने पहुँचा तो यहाँ के जंगल में शेरों को देखकर उसने इस आइलैंड का नाम सिंगपुरा रख दिया, मतलब सिंहों का द्वीप। आज भी सिंगापुर के डॉलर और सेंट्स के सिक्कों पर नया नाम सिंगापुर और पुराना नाम सिंहपुरा प्रिंटेड रहता है। एंड डू यू नो, सिंगापुर को अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक चमत्कार कहा है क्योंकि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज केवल यहाँ पर रहने वाले लोग ही हैं। यहाँ पानी मलेशिया से, दूध फल सब्जियाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, दाल चावल और बाकी रूटीन में यूज होने वाली चीज़ें थाईलैंड या इंडोनेशिया से इम्पोर्ट की जाती हैं। और ये चमत्कार से बड़ा नहीं कि एक डेवलप्ड कंट्री में पानी भी बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन इस देश में खासियत भी बहुत सी है। डू यू नो, यहाँ पर वर्ल्ड का पहला नाइट जू है, नाइट सफारी है। सिंगापुर का हर तरह से शहरीकरण होने के बावजूद सिंगापुर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्नामेंटल फिश का एक्सपोर्टर है, जो वर्ल्ड मार्केट का 25% बिजनेस कवर किए हुए है। मुंबई से भी छोटे इस देश में पेड़ इतने हैं कि एंटायर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पेड़ों की संख्या इसके बराबर है। सिंगापुर का नाम वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ह्यूमन डोमिनो चेन बनाने के कारण गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ये चेन 30 सितंबर 2000 को बनाई गई थी और इसमें 9,234 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। और जब इस ह्यूमन चेन को मापा गया तो इसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर्स थी। तो ये थे सिंगापुर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। और नेक्स्ट टाइम और भी रोचक, मनोरंजक और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ वी विल मीट अप सून। आप अपने फीडबैक, क्वेरीज और सजेशंस स्क्रीन पर दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.